शांति सत्यम शिवम सुंदरम सचित आनंद स्वरूप सच्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 जून 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की ज्ञान मुरली में सेवाधारी बच्चों को वरदान देते हुए बाबा ने कहा, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित और निर्माण भव सेवाधारी अगर सेवा करते हैं, कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी फेर देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाबा कभी न भूले, वह करा रहे हैं और हम निमित बनकर कर रहे हैं। जहां भी निमित भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित हूं निर्माण हूं तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। आगे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार की ड्यूटी संभालते हुए ईश्वरीय पढ़ाई का कोर्स उठाओ जिससे फोर्स भर जाएगा। भगवान शिव ने ये देवी देवता बनने का कॉलेज खोला है। इस कॉलेज में पढ़कर ईश्वर की मत पर चलकर तुम्हें भगवान भगवती बनता है, अर्थात देवी देवता बनना है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? तो उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। वो गरीब निवास शिव बाबा आए हैं, गरीब कन्याओं माताओं को दासीपन से मुक्त करने के लिए, इसलिए गरीब निवास कहकर उन पर बलिहार जाते हैं, उनकी महिमा का मंडन करते हैं। आगे बाबा ने कहा, अभी तुम अंध श्रद्धा वाले भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। तीनों कालों तीनों लोकों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। देखो, भक्त पूजा के लिए सबके चित्र रख लेते हैं, श्री कृष्ण का भी रखेंगे तो लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे तो गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। लेकिन एक निष्ठ अव्यभिचारी श्रद्धा नहीं है। इसके अतिरिक्त जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते हैं।
उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। अभी भगवान शिव आया है सभी द्रौपदियों की रक्षा करने। आजकल दुनिया में अनेकों द्रौपदियों की लाज खतरे में है। बाबा ने कहा कि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया, सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं की दुनिया। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे या नहीं? तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते, अपने दिल दर्पण में देखो कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। इस समय हरेक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रधान हैं, वो प्रवेश कर गए हैं। अभी तो संपूर्ण विकारी है, सत्युग में सभी निर्विकारी होते हैं। सत्युग में एक ही बच्चा पैदा होता है और सो भी योग बल से, पहले से ही साक्षात्कार होता है। जैसे इस समय तुम साक्षात्कार करते हो कि हम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, भगवान शिव कहते हैं, मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूं। जो बच्चे अपने मन बुद्धि के मालिक बनते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करके अपने भीतर की कमी और कमजोरियों को निकालते हैं, योग बल से अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, वही विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी आप बच्चों के लिए खोली है। हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है और यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। बाबा कहते हैं, मैं परम धाम से तुम्हें पढ़ाने आया हूं, परंतु तुम्हें इस दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। फिर सत्युग में तुम्हें विश्व के मालिक बन जाते हो। भगवान शिव कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। वास्तव में स्त्री को वैसे तो हाफ पार्टनर कहा जाता है, भारत में हिंदू नारी को कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर भगवान सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं गुरु या ईश्वर और तुम हो दासी। वो परम पिता परमात्मा आकर इस दासीपनी से छुड़ाते हैं और ऊंचा उठाकर श्री लक्ष्मी सदस्य बना देते हैं। तो कितनी सावधानी से इस मार्ग पर चलना है, इस पढ़ाई का स्वाध्याय करना है। इस स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। आज का स्लोगन है, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बनकर सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है, अर्थात पवित्र बन अन्यों को भी पवित्रता का महत्व बताकर उनके मन वचन और कर्म को पवित्रता के मार्ग पर आगे ले जाना, उसमें मदद करना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।